देखी तुम अब जीनू, तुम अपना कमरा कितना गंदा रखते हो, ये लो और जल्दी जल्दी साफ कर दो। माना मैं तुम्हारा जिन हूँ, अकालादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अम्मी का बेटा भी। जहाँ तक मुझे याद है, अम्मी ने हम दोनों से कहा था इस कमरे को साफ करने के लिए। मैं तुम्हारा आका हूँ और अपने आका का हुक्म मानना एक जिन का फर्ज होता है, समझे तुम? फर्ज? ठीक है, मैं इस कमरे को अकेले ही साफ करूंगा, लेकिन अम्मी से झूठ नहीं कहूंगा। अगर अम्मी ने मुझसे पूछा कि इस कमरे को किसने साफ किया, तो मैं कह दूंगा अकेले मैंने साफ किया है। फिर अम्मी जब तुम्हारे कान उमेटेंगी और लाल करेंगी, तब बड़ा मजा आएगा। जिनू, दिख नहीं रहा क्या तुमको? मैं साफ ही तो कर रहा हूँ। हाँ, ठीक से साफ करो। आते पाते दहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, अम्मी जी कर देना जिनू को माफ, कमरा होटल साफ। जिनू, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा बिस्तर कहाँ गया? यही भी होता। जिनू, यहाँ का सामान कहाँ गया? और जिनू, ये तुमने क्या किया? मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या कर रहे हो तुम अब? कुछ नहीं। सामान? देखा मेरा मजाक? मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया। तुम्हारा मजाक का मैं अभी बाहर निकालता हूँ। मैं अम्मी से कह दूंगा। अम्मी के बच्चे, तू क्या अम्मी को बोलेगा? जो अम्मी, अम्मी हमारे लिए गुड़ और रोटी लेने गई थी ना? हाँ। अभी तक आई नहीं। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। अम्मी, 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 जीनू, हाँ, अम्मी रसोई में भी नहीं है। ये रसोई? अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? आप तो रसोई में थी। अम्मी, अलीजा, सामने आओ, अलीजा। तुम्हारी जुर्रत की अलीजा दाद देती है सफर कि तुम इसे इस तरह पुकारने की हिम्मत रखते हो। हमारी इन बेफिजूला बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। हमें जानना है उस काले चोर का रखवाला इस वक्त क्या कर रहा है। जब जब खतूबा का निशान चमकेगा, वो अपनी यादों के बीच ही झूलता रहेगा। कभी कभी तो वो अपने अपनों को ही भूल जाएगा और उसके दूसरे ही पर उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और धीरे धीरे उसकी यादें, उसका वजूद खत्म हो जाए। अम्मी, ठीक तो है? मैं तो रसोई में थी। अम्मी, आप रसोई में गुड़ और रोटी लेने गई थी हमारे लिए? हाँ, वो गुड़ खत्म हो गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही थी लेने के लिए। अम्मी, हमसे कहिए, हम ले आएंगे। आप आराम कीजिए, सिर्फ आराम। और घर में अगर गुड़ नहीं है तो हम रोटी नमक खा लेंगे, उसमें क्या? आप घर चलिए, आइए। मैं ये जानना है कि काले चोर का रखवाला कौन है और कहाँ है, ताकि हम उस काले चोर को पकड़ के अपना जादुई चिराग हासिल कर सकें। काले चोर का रखवाला जब भी इस संगे अलीजा के पास आएगा, तो खतूबा के जहर का निशान चमकेगा और तब
तो मुसख वाले को ढूंढ लोगे। ये बगदाद है अलीजा, तुम्हारा कोई छोटा या अदना सा मरकश नहीं। अलीजा की नजरें देख सकती हैं कि वो काला चोर बगदाद के मगरीबी इलाके में रहता है। तुम अपने लोगों को इस संगे अलीजा के साथ भेजो। जैसे ही वो लोग उस रखवाले के करीब आएंगे, उसके जहर का निशान चमकेगा और वो उसे पकड़ लेगा। एक बार रखवाला हाथ आ गया तो काला चोर तो आ ही जाएगा। मगरबी हिस्से में नाकाबंदी करवाई जाए, हर घर हर शख्स की तलाशी ली जाए और जिस किसी के पास ये पत्थर ले जाने के बाद उसके जिस्म पे कोई निशान चमके, उस इंसान को फौरन गिरफ्तार करके हमारे पास ले आया जाए। तखलिया, अब देखते हैं कैसे बचता है काला चोर। अबू आज तक हम पर इतना कभी नहीं चिल्लाए। अबू तो हम पे जान छिड़कते हैं। शहजादी, हो सकता है कि बादशाह सलामत बहुत परेशानी में होंगे और वो गुस्सा आप पर निकल गया होगा। और जो भी, हम अबू से पूछ के रहेंगे कि आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या। ये सब क्या है? ये एक बाप की मोहब्बत होती होती होती। चिलगोजा चिलगोजा, ये जुबान एक दिन हमको मरवाती। हमारा मतलब है कि एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, बस बताना नहीं आता। आज हम आपसे माफी मांगकर वो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। हम जिंदगी में पहली बार आप पर चिल्लाए, उस गलती के लिए हमें मुआफ कर दीजिए। बादशाह सलामत कब से खाने पर आपका दरगाह से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत थक गई होंगी, इसलिए हमने दस्तरखान आपके कमरे में ही लगवा दिया। लेकिन अबू, आपको वक्त पे खाना खा लेना चाहिए था। आपने हमें मुआफ कर दिया, हमारा पेट भर गया, अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे। माफ कर दीजिए, आप हमारे अब्बू हैं, आपको हम पे नाराज होने का पूरा हक है। आपके उस गुस्से के लिए तो हमने आपको कब का माफ कर दिया है। फरासी अदाकारी और ये चिलगोजी फंस गई। अच्छा हुआ सफर को पता नहीं चली कि हम इस पर चिल्लाए होते, वरना वो हमारी गर्दन काट देती। आई, 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 आई।
कसम सोने की अशर्फियों की, कहां कहां से क्या क्या सुन के आते हो? क्या हुआ इसे? अच्छी भली तो है रुखसार। अरे बेगम, मैंने अपने इन कानों से सुना था, कल रात को हकीम साहब इसको देख कर गए हैं। लगता है फिर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है, सुनना पड़ेगा। हकीम साहब को बुलाया था, यानी बीमारी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी, पर मरती है तो मरे, हमें क्या। पर अगर रुखसार मर गई तो हमारा कर्ज कौन चुकाएगा? लानत है ऐसे रिश्तेदारों की जिनके मन में मेरी अम्मी के लिए इतना जहर है। खैर, मेरे होते हुए अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। आका वैसे ही अम्मी की तबीयत को लेकर इतना परेशान है, इन दोनों को तो मैं अकेला ही सबक सिखाऊंगा। अब क्या हंडी में घुसी जाओगे? चलो ना, घर जाके बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है, नाजनीन को भूख लगी है, कहीं नाजनीन कमजोर न पड़ जाए। चलो, चलो। तुम्हें चारा डाल दूं, मतलब खाना खिला दूं। चलो। शेख जीनू, कसम सोने की अशर्फियों की, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। इरादा तो वही था। क्या? क्या मेरा मतलब है, आज इतने अच्छे दिन पर इतनी मनहूस बात मत करिए। क्यों? आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आप लोगों को पता नहीं ना, ना। कल दरगाह पे जब गरीब लोग अम्मी का दिया हुआ खाना खा रहे थे, तो वहीं पे एक रईस आदमी ने उस खाने को चख लिया और उसे वो खाना इतना अच्छा लगा कि उसने अम्मी से रईसों की दावत में खाना पहुंचाने का सौदा कर लिया, और उसकी कीमत तो इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, बस क्या बताएं। सच्ची मुची। लेकिन लगता है इस खुशखबरी को सुन के आप लोगों को कुछ ज्यादा खुशी हुई नहीं। शेख साहब, हम तो टुच्चे रिश्तेदार हैं, रुखसार की खुशी से जलने का फर्ज अदा कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि सच्चे रिश्तेदार हैं। सर खुश, हम भी खुश। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए लड्डू खाइए। हाँ हाँ, खाइए खाइए, उठाइए। हाँ हाँ, खाइए तभी तो दस्त होंगे। क्या? मेरा मतलब है जबरदस्त लगेंगे लड्डू, जबरदस्त लगेंगे, खाइए खाइए। दवा मिलाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, अब तुम्हारी ही दवा तुम्हारे ही पेट में जाएगी, खाइए खाइए। देसी घी के चीनू, ये मिठाई किस खुशी में है? मर गया चीनू। चलो बनो मत, हमसे मत छुपाओ। शेख जीनू ने हमें बता दिया खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो अम्मी। अरे जल्दी बोलना, मैंने सब्जी रखी है चूल्हे पर, जल्दी बता। शेख जीनू बता रहे थे आपको अमीर लोगों की दावतों के लिए खाना बनाने का बहुत बड़ा सौदा मिला है। मैंने कुछ कहा क्यों नहीं? इसे सांप क्यों सूंघ गया? लगता है पैसे आने के बाद रुखसार की नजरें फिर गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये शेख जिन्हों झूठ बोल रहा है। चूहे की शक्ल पे चचुंदर जैसी सोच। अरे साफ साफ नजर आ रहा है कि रुखसार हमसे सौदे के बारे में छुपा रही है। वो क्या है ना कि काम बहुत है, इसलिए अम्मी बहुत परेशान है। चलिए दुकान में बैठ के मुंह मीठा करते हैं। ये हमारे लिए, गुल्लू के लिए दूसरा ले आना, ये तो मैं ही खा जाऊंगी। जो दिया तुमने हमें, आज वही लिखा है तुम्हारी तकदीरों में, बंधा पड़ा है जालिम जुल्म की ही जंजीरों में।
ऊपर वाले ने मेरी तकदीर भी क्या लिखी है, जंजीरों में तू भी बंधा पड़ा है और मजबूर मैं भी हूं। तेरी जान लेना चाहता हूं पर ले नहीं सकता। रुखसार कहती थी, इंसान वही होता है जो दुश्मनी में भी शराफत ना छोड़े। शायद इसीलिए तेरे जिस्म पर संजीर के ये जख्म देखे नहीं जाते। वैसे भी बेहोशी की दवा का असर अभी बाकी है। लजीज है। हाँ, लजीज है तो और खाइए और खाइए। आप तो रुस्तम ए बगदाद हैं। रुस्तम ए बगदाद, वाह वाह, इतने से क्या काम होगा। और खाइए और खाइए। सब खा लूंगा सब खा लूंगा। तेरा क्या होगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मैं नहीं खा जाऊंगी। कसम सोने के अशरफियों की जीनू साहब, इनका क्या है, इन्हें तो मुफ्त में जहर मिले तो वो भी खा जाएं। इस बार दवा दी है, अगली बार जहर दे दूंगा। अच्छा है दोनों ने खा लिया, नहीं तो चाचा अकेले ही जंग लड़ते। बहुत खा लिया। लगता है बाहर गधे ने डकार मारी। आप लोग अम्मी को मुबारकबाद देने नहीं चाहिए, जाइए जाइए। हाँ हाँ शेख जीनू, तभी तो ये कटोरा लाए हैं रुखसार को तोहफा देने के लिए, अभी जाते हैं। चलो बेगम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कसम सोने की अशर्फियों की, नाजनीन किसी को तोहफे में अपने गिरे हुए बाल न दे। अरे ये कटोरा दे रही रुखसार को ताकि उस अमीर सौदागर के बारे में पता चले। चलो ना, ना। लगता है गधे ने फिर से टकार मारी। आप कहीं मिठाई कम तो नहीं पड़ी, और लाओ ना। मेरा मतलब है, दरअसल शेख जी नो, मैं दूध चूल्हे पर छोड़ आई हूँ, जाना पड़ेगा। अरे ध्यान से, कहीं दूध बाहर उबल ना जाए। चाचा चाचा ठीक है? कुछ नहीं हुआ भैया। ये क्या चाचा, क्या हो गया? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को एक खुशखबरी दी। सच? मेरे पास भी एक खुशखबरी है, मैं वही लेके आया हूँ। तो सुनाओ। नहीं जीनू, अम्मी के सामने सुनाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो चाचा सुन के भाग गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हमारी खुशियां सुनकर रिश्तेदार जलेंगे नहीं क्या? जलने की बू तो यहां तक आ रही है। जलने की बू? जीनू सब्जी जल रही है। जीनू सब्जी जल गई, अम्मी कहाँ है? आका अम्मी अभी यहीं रसोई में ही थी और उन्होंने कहा था कि तो अभी सब्जी चूल्हे पे चढ़ाई थी। हाँ हाँ।
अम्मी आप ठीक तो हैं? आपको बताया सब्जी चूल्हे पर भूल गई थी। सब्जी चूल्हे पर छोड़ दी? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? जल तो नहीं गई सब्जी? अम्मी नहीं, मैंने सब्जी जलने से पहले चूल्हे से उतार ली थी, आप फिक्र मत कीजिए। वो क्या है कि बुढ़ापे में लोग बूढ़ी होगी तेरी नानी, खुद तो बड़ा हुआ नहीं अभी तक, मुझे बूढ़ी कह रहे। रात को अपनी जब बुरा ख्वाब देखता है तो अम्मी अम्मी करके रोता हुआ उठता है। अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कल इस बात का एहसास आपको खुद होगा और आप मुझे शाबाशी भी देंगी। क्यों, तुम्हारी नौकरी लग गई? लगी नहीं है जीनू, लेकिन लग सकती है। मैंने अभी अभी करीम चाचा की दुकान पर महल की नौकरी का इश्तेहार देखा। महल की नौकरी? कैसी नौकरी? हिफाजती टुकड़ी के सिपाही की नौकरी। और ये सिपाही वही बन सकता है जिसके पास अकल, ताकत और बाज जैसी नजर हो, जो मेरे पास तो पहले से है। कब से? जीनू मजाक मत करो। अम्मी अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है, दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। कौन लाया? हम तो अपने कमरे में थे। कोई हमें अगवा करके यहां लाया। हालत में यहां से निकलकर महल पहुंचना होगा।